तक का अपना लाइनअप चेक करो। आज है अपने साथ एक तो अपनी गरुड़ मतलब जीनोसो, दूसरी जीनोसो, तीसरी जीनोसो, पीछे को हमारा टेनर 390 और एक और 390। भाई साहब आज देखेंगे जब इतनी सारी बाइक निकलती है एक साथ तो क्या सा पब्लिक रिएक्शन मिलता है हम लोगों को। चलाएंगे इसको देखें क्या है भाई ये साहब। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ईगल आर्म। तो भाई आज अभी आप लोग देख सकते हो भाई बिल्कुल अभी आपको लग रहा होगा अंधेरा अंधेरा टाइप का हो रहा है, पर भाई अभी शाम नहीं हो रही, अभी हो रही है सुबह और बहुत दिनों बाद हम लोग जा रहे हैं एक अमेजिंग सी सुपर बाइक राइड पे। और भाई वीडियो में आज बने रहो आगे, ठीक है। बाकी एक काम करते हैं फटाफट से कर लेते हैं अपने गरुड़ का कोर्स स्टार्ट। सुबह सुबह 5 बज रहे हैं अभी सुबह के भाई, सोच सकते हो। रुको तुम्हें टाइम दिखाता हूँ, ये देखो 5:03। और बताता हूँ अभी कौन कौन सी बाइक आ रही है, क्या क्या सीन है, फिलहाल कर लेते हैं इसका कोर्स स्टार्ट। सो जय श्री राम, आराम से। सुबह सुबह चार्ज अप हो गया भाई मैं बढ़िया करके एकदम। लुक चेक कराओ तुम्हें एक बार इसकी भाई सामने से, ये देखो भाई ये लुक चेक करो, पूरी गाड़ी धो के खड़ी करी है मैंने रात को। चलो एक काम कर लेते हैं यार, फटाफट से होने देते हैं इसका कोल्ड स्टार्ट और तुम्हें मिलते हैं हम लोग सीधा रास्ते में, थोड़ा सा उजाला हो जाए ना। लो सो बॉयज और प्यारी प्यारी गर्ल्स, अभी निकल चुके हैं हम लोग घर से और भाई मैंने पेट्रोल भी फिल करा लिया है, मतलब मैंने पेट्रोल भी फिल करा लिया है। बाकी अभी चल रहे अपने मीटिंग लोकेशन की तरफ। और भाई आज मैं आप लोगों को बता दूं, आज आप लोगों को दिखने वाले कावासाकी ZX10R के लॉन्च कंट्रोल। Z900 में तो लॉन्च कंट्रोल आता नहीं, वरना इसमें भी दिखाते। और भाई भाई इतने अमेजिंग सीन होने वाले ना, क्या ही बताओ। बस वीडियो कंटिन्यू करते हैं, फटाफट से अपनी लोकेशन पे पहुंचते हैं। बाकी अभी Z900 दो तीन है शायद, और ZX10R का तो अपना पक्का है, Z900 का पक्का नहीं पता मुझे अभी, बट ये है 10R तो आ रही है भाई। चलो तो भाई यहाँ आज का अपना लाइनअप चेक करो। आज है अपने साथ एक तो अपनी गरुड़ मतलब Z900, दूसरी Z900, तीसरी Z900 और पीछे तुम्हारा 10R 390 और एक और 390। चलो जी चलेंगे आराम आराम से चलेंगे, है ना। पहले तुम्हें जरा फ्लाई बाय दिखा दूँ सारी बाइकों के, उसके बाद हम निकलेंगे लास्ट में, है ना। ओए होए ओए होए, आवाज़ सुन रहे हो। चलो जी चले। हाँ भाई मजा आ रहा है यार। भाई साहब आज देखेंगे जब इतनी सारी बाइक निकलती है एक साथ तो कैसा पब्लिक रिएक्शन मिलता है हम लोगों को। भाई साहब मजा आने वाला है यार आज, बिल्कुल ही तगड़ा वाला। थोड़ा देर ट्रैफिक से निकले और फिर उसके बाद चलते हैं आगे, बस राइड अच्छे से हो जाए, सब लोग सेफली जाए, सेफली आए। जय श्री राम। चलो जी भाई साहब बहुत मजा आ रहा है, अब तुम्हें क्या बताऊं। तुम बोल रहे हो भाई बार बार यही बोल रहा है कि बहुत मजा आ रहा है, पर भाई लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये मजा तब तक है जब तक आप अपने सेंसेस में चल रहे हो। जहां आपने अपने से काबू खोया और गाड़ी को जरूरत से ज्यादा भगाना शुरू करा, भैया ये मजा सजा में बदल सकता है। तो प्लीज राइड सेफ,
और हम चलते हैं राइट कंटिन्यू करते हैं। लीनिंग देख रहे हो भाइयों की, हालांकि ज्यादा कर नहीं रहे बट स्टिल जितनी आती है। भाई साहब पैनल निकला उसका, भाई पैनल निकला उस बंदे की जी 900 का। भाई साहब अच्छा मेरी नजर पड़ी भाई, इसका नट नोट गिरा। हाँ बैग में रखते हैं, ये लो भाई। इसके बिना चल जाएगी गाड़ी सही से? चलो भाई रख लिया है, यही होता है ग्रुप राइड का फायदा। अब देखते हैं इसको आगे जाके पता होगा या फिर नीट आएंगे इसको है कि हमने नीट आया है। नहीं होता लगा, पता लगता तो रुकता। अभी अभी डरेगा ना, अभी डरेगा जब बोलेंगे, जब इसको पता चलेगा पैनल नहीं, पूछेगा भाई मेरा पैनल गिर गया। बताना मत पहले, पहले नहीं बताएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। चलो जी चले भाई, और मैं ही चल रहे हैं भाई सबसे आराम से, बाकी तो अभी चल ही रहे हैं, मतलब बाकी भी अपनी लिमिट के हिसाब से चल रहे हैं। ये कहाँ गए भाई? पत्थर लगा शायद। पत्थर लगा? पत्थर लग के उड़ गया, पता नहीं चला। अरे यार ये उधर छूट गया, क्या करूँ। साइड तो करो पहले। तुमने जहाँ पे मैं भाई, ये तो भाई ये तो ज्यादा ही टूट गया, मुझे लगा था खाली वो ही खुले होंगे नट। बैग में क्या टूटा हो? वो तो सही है यार, ये टूट गया भयंकर। अच्छा तभी तुम वो लेट आ रहे थे? हाँ तभी तो हम रुके भाई। पत्थर लगा यार, मेरे को लगा कुछ लग रहा है। इंडिकेटर का लोग इंडिकेटर तो तोड़ दिए मैंने। क्यों हेड गए थे? ये लो भाई तुम्हारी अमानत। भाई और लंबा हो रहा है कुछ, इसका कोई नट गिरा मुझे लग रहा। हाँ इसके ना क्लैंप खुल गया, क्लैंप होते हैं यहाँ पे। ना ना अभी मत लगाओ, अभी तो निकट गिर जाएगा दोबारा। जस्ट तो जहाँ पे तुमने बस हमसे आगे गए ना वहीं गिर गया था। चलो जी बच गया भाई, भगवान जी का नाम लिया था ना चलते हुए, इसीलिए भाई देखो हल्के में हो गया, नहीं तो भाई गिर भी सकता था। बट स्टिल जो भी हुआ भाई कोई बात नहीं, अब चलो कंटिन्यू। भाई कंटेंट बना। बहुत गंदा ये ट्रैक आ रहा है, बहुत ज्यादा गंदा भाई, क्या बताऊं। और एक चीज याद रखना, कभी भी हाईवे पे चल रहे हो ना तो एकदम से स्पीड में जाके एकदम ब्रेक नहीं लेने, अगर 100 चल रहे हो तो 100 मेंटेन करनी है, क्योंकि पीछे वाला जो आ रहा हो तुम्हें टक्कर मार सकता है। वैसे आई एम सॉरी अगर मैं तेज बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पीड में गाड़ी थोड़ी, तो मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही होगी। बस 70-80 मेंटेन करके चलो, वैसे तो यहाँ की लिमिट 100 है शायद। 100 आ रहा है भाई भी पीछे से। चलिए जो फटाफट हम रील बनाते हैं, रील देखने के लिए मिल जाएगी आपको इंस्टाग्राम पे, तो आईडी आ रही है सामने, फटाफट से भाई फॉलो कर लो। चलो भाई अब तुम्हारा भाई चलाने वाला है 10R नई वाली। भाई बस कैमरा एंगल थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, मुझे नहीं पता सही आएगा कि नहीं, अभी देखते हैं। भाई साहब वाह
भाई अब चलता है तुम्हारा भाई 10 आवर पे भाई, एक्साइटमेंट देख रहे हो। चलो जी भाई क्विक शिफ्टर सुन रहे हो भाई, ये देख लो भाई तुम ये अभी रात का टाइम होता ना तो मजा आता। चलो जी वैंकर डाउन शिफ्ट ऐसे मार रही है ना, क्विक शिफ्ट और ऑटो फ्लिपर भाई, ये सुनना, ये होता है भाई ऑटो फ्लिपर जब तुम डाउन शिफ्ट करते हो बिना क्लच दबाए। न्यूट्रल होगी न्यूट्रल, अब इन लोगों को देखना ये लोग कहाँ गए यार, ये तो बहुत आगे हो जाएगा। इनको बोलते हैं यू टर्न मारते हैं अब भाई, डरा रही है इसकी पावर, बल्कि अभी ये है मीडियम मोड पे, अभी इसकी पावर मीडियम है, बहुत लो नहीं है बहुत हाई नहीं है, पर फिर भी जी 900 से बहुत ज्यादा पावर है इसमें भी। खोलते हैं थोड़ी सी, अपनी लिमिट में चल रहा हूं भाई, 150 संभाल नहीं आती है तो 150 पे ही चल रहा हूं। नीचे यू टर्न कहां से है? चलो जी चले, ये बम्स है ना बस ये देखने होते हैं यार, क्योंकि हाई स्पीड में बहुत ज्यादा लगते हैं। चलो एक पुल लेते हैं यहाँ पे, चलो जी गो, भाई साहब चलो भाई यहाँ से वापस को चल रहे हैं। आहा यार जीना एंडेड ज्यादा स्मूथ सी फील होती है,
जैसे टेनार है ना, टेनार में एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही थी, बहुत ज्यादा। इसमें थोड़ा सा वैसा फील हो रहा है, फ्री फ्री। मजा आ रहा है भाई, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। ये वीडियो पूरी देखना, सपोर्ट करना देखो भाई लोग प्लीज, ठीक है। हाँ यार चलो, ये भी होगा लॉन्च कंट्रोल, तुम्हें देखने के मिलने वाला अभी लॉन्च कंट्रोल बढ़िया वाला। ऐसे प्यारे प्यारे रिएक्शन मिलते ना भाई, मजा आता है। संडे राइड पे मिली है रिएक्शन, बाय द वे इट्स नॉट अ संडे राइड, इट्स सैटरडे मॉर्निंग राइड बेबी। चलो भाई अब निकल रहे हैं हम सांप बनते हुए। मुझे हल्की स्पीड में सांप बनाने में ज्यादा मजा आता है, ऐसे 20 30 60 70 तक, उसके बाद भाई कॉन्फिडेंस नहीं आता। भाई लेकिन 10 आर चला के मजा आ गया यार, जब बूसा आएगी तब हम भी क्विक शिफ्टर के मजे लेंगे। सबसे ज्यादा मजा आता मेरे को क्विक शिफ्टर का ही आया भाई, देखो सही बताओ तो स्पीड से ज्यादा। स्पीड पता नहीं मैंने कितनी खींची, मेरे को आइडिया नहीं बिल्कुल भी। मैंने मीटर पे 150 तक देखी थी मैक्सिमम, 150 160, अब पता नहीं अगर उससे ज्यादा गया हो। अरे भाई साहब अभी भी 31 किलोमीटर दूर है हम देहरादून से। चलो जी यहाँ पे रुके हुए लोग, भाई गजब सीन भाई, एक नंबर एक नंबर। जय माता दी, यहाँ पे मंदिर भी है, हम लोग वहां से आ नहीं पाए। सो बॉयज एंड गर्ल्स फाइनली पहुंच चुके हम लोग घर पे, करीब 150 किलोमीटर लंबी थी भाई आज की राइड, तो भाई इस बात पे एक लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में भाई, लाइक जरूर करना, बहुत थकान हो चुकी है। बाकी यार आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी इस तगड़े से मोटो व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, लव यू, गलाम लाइक जरूर करना यार।